वह रे चचा भतीजा की सरकार, 6 लाख बच्चे पूरी अपनी जिंदगी का आशा और उम्मीद लेकर के सिपाही भर्ती परीक्षा में सम्मिलित हुआ, उसके आने जाने रहने खाने पीने ठहरने का जो खर्च हुआ, आपके भ्रष्टाचारियों ने पेपर लीक करके उसके सपना को तार तार कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज PR और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिन्हा। देखिए, सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक के बाद जहां इसे रद्द कर दिया गया, लेकिन ऐसे में जितने भी अभ्यर्थी ये परीक्षा देने के लिए पहुंचे थे, आने जाने में उन्हें जो परेशानी हुई, आने जाने में उन्हें जो खर्च हुआ, आखिर उसका वो जो खर्च है वो वापस कौन करेगा। पेपर तो लीक होने के बाद रद्द कर दिया गया, लेकिन ऐसे में अभ्यर्थियों को जो परेशानी हुई से कौन देखेगा। वहीं अब इन सभी सवालों के साथ में अब विजय सिन्हा ने इसे लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव दोनों पर ही कटाक्ष किया है, दोनों पर जमकर सवाल किए हैं और मांगे भी उठाई हैं। यहां तक कि ये भी कह दिया है कि SP को हटाइए, CBI जांच में लगाइए, CBI को ये पूरे मामले की जांच करने दीजिए। क्या कुछ कह रहे हैं विजय सिन्हा, आप खुद सुनिए। खेलो इंडिया, देश के प्रधानमंत्री जी ने जब आह्वान किया था तो लोग हंसता था, आज देख लो INDIA वाले लंबे वर्ष तक भारत में आपने शासन में बैठा, यहाँ के प्रतिभा को कुचलने का और गरीबी और फटेहाली का दास्ता सुनाने के अलावे तुष्टिकरण की राजनीति के अलावे आपने क्या किया। आज देखो खेलो इंडिया में भारत एशियन गेम्स 2023 में 100 पदक के साथ पहली बार पदकों की संख्या में शतक लगाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज खेल और खिलाड़ियों को जिस तरह से प्रोत्साहित कर रहे हैं, शायद इसके पहले कभी देश में किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। हॉकी, तीरंदाजी, बैडमिंटन, कुश्ती, यहां तक कि कबड्डी में भी स्वर्ण पदक प्राप्त किया। आज 25 स्वर्ण, 35 रजत और 40 कांस्य से हम 100 पदक के साथ खेलो इंडिया जीत रहा है, पूरे विश्व में धमाल मचा रहा है। नौजवानों को हमारी बहुत बहुत शुभकामना, सभी खिलाड़ियों का हृदय से अभिनंदन और शुभकामना, और यहाँ के नौजवान खेलो, पढ़ो और राष्ट्र को मजबूत बनाओ, प्रधानमंत्री जी के सपना को साकार करो, ये संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाओ, हमारी शुभकामना है, बहुत बहुत धन्यवाद। वह रे चचा भतीजा की सरकार, 6 लाख बच्चे पूरी अपनी जिंदगी का आशा और उम्मीद लेकर के सिपाही भर्ती परीक्षा में सम्मिलित हुआ, उसके आने जाने रहने खाने पीने ठहरने का जो खर्च हुआ, आपके भ्रष्टाचारियों ने पेपर लीक करके उसके सपना को तार तार कर दिया। जिम्मेवारी किसकी है, सरकार बिहार सरकार को जवाब देनी होगी, और बिहार सरकार वो भ्रष्ट DGP जिसको सिपाही भर्ती बोर्ड का आपने अध्यक्ष बनाया, पहले से वो दोषी और कलंकित है। बच्चों के 6 लाख बच्चों के खर्च को आप पूरा करें, जब भी पेपर लीक होगा बच्चों के खर्च को आपको देना होगा, और DGP को हटाइए, CBI से जांच कराइए, ताकि अब भविष्य में पेपर लीक न हो। बिहार के प्रतिभा के साथ खिलवाड़ मत करिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत हो गया, अब बिहार के बच्चे को और कितना परेशान करेंगे। आपके जैसे लोग ही आपके भ्रष्ट पदाधिकारी के कारण वो अपराध के रास्ते पर जाते हैं, और बिहार अपराधियों से आज त्राहिमाम कर रहा है। एक बार इन बच्चों को न्याय दीजिए, इनके खर्चे की व्यवस्था बनाइए। सुना आपने किस तरीके से विजय सिन्हा जो हैं लगातार ये मांग कर रहे हैं कि इस पूरे मामले पर CBI को जांच करनी देनी चाहिए, और साथ ही जो अभ्यर्थी हैं जिन्हें परेशानी हुई, जो खर्च हुआ वो बिहार सरकार को अभ्यर्थियों को देना चाहिए। इसे लेकर के जो भी अपडेट है वो लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ PR।